पिछले कुछ महीनों में इंडियन मार्केट में ईवी कंपनीज काफी तहलका मचाया है, जिसके चलते फेमस कंपनी एथर एनर्जी ने मार्केट में अपना नेक्स्ट मूव शेयर कर दिया है ओला इलेक्ट्रिक को कंपटीशन देने के लिए। ओला और एथर स्टार्टिंग से ही मार्केट में एक दूसरे का राइवल रहे हैं। वहीं कंपनी गुड बुक्स में रहने के लिए कुछ ना कुछ अपडेट्स लाती रहती है और एथर एनर्जी का इस अपडेट से ओला इलेक्ट्रिक को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और ऐसे और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस मिले सबसे पहले। एथर 450S अपना बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया था। वहीं पर एथर एनर्जी का राइवलरी ओला इलेक्ट्रिक ने भी अपना ओला S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर को मार्केट में लॉन्च कर दिया था और ओला S1 एयर लॉन्च होते ही काफी डिमांड में आ गया था। और एथर 450S और ओला S1 एयर दोनों ही स्कूटर्स की बुकिंग जुलाई एंड तक स्टार्ट कर दी गई थी और अब एथर एनर्जी अपना एथर 450S स्कूटर को ऑफिशियली इंडियन मार्केट में उतार दिया है। जी हाँ, एथर 450S का डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। तो एथर 450S जो कि एथर एनर्जी का एक बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसका कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको बता देते हैं। रेंज की अगर बात करें तो एथर 450S में आपको 115 किलोमीटर तक की सर्टिफाइड रेंज देखने को मिल जाती है। टॉप स्पीड की अगर बात करें तो एथर 450S में आपको 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी और एक्सेलरेशन टाइम की अगर बात करें तो सिर्फ 3.9 सेकंड्स में ये स्कूटर 0-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकती है। बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो 2.9 किलोवाट आवर की एक बैटरी पैक आपको इस स्कूटर में देखने को मिल जाएगी और ये बैटरी एक लिथियम आयन बैटरी है और IP67 रेटेड है, यानी ये बैटरी डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ है। चार्जिंग टाइम की अगर बात करें तो 6 घंटे 36 मिनट में आप इस स्कूटर को 0-100% चार्ज कर पाएंगे। पावर की अगर बात करें तो 7.24 HP का पावर आपको इस स्कूटर में देखने को मिल जाएगा और टॉर्क आपको इस स्कूटर में 22 न्यूटन मीटर का मिल जाती है। इस स्कूटर के कुछ फीचर्स की अगर बात करें तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, डुअल डिस्क ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट, पार्क असिस्ट, 22 लीटर बूट स्पेस, ऑटो इंडिकेटर कट ऑफ, मोनोशॉक सस्पेंशन, गाइड मी होम लाइट और साइड स्टैंड सेंसर्स जैसे कुछ फीचर्स आपको इस स्कूटर में देखने को मिल जाएगी। कलर्स की अगर बात करें तो इस स्कूटर में आपको 4 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाती है, कॉस्मिक ब्लैक, सॉल्ट ग्रीन, पेज ग्रे एंड स्टील व्हाइट। ये 4 कलर ऑप्शंस आपको इस स्कूटर में देखने को मिल जाएगी। राइडिंग मोड्स की अगर बात करें तो 3 राइडिंग मोड्स आपको इस स्कूटर में देखने को मिल जाएगी, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड एंड राइड मोड। डिजाइन के मामले में एथर 450S कंपनी का एथर 450X के तरह ही सिमिलर दिखता है। जहां पे एथर 450S में आपको एक नॉन टच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वहीं पे एथर 450X में आपको एक टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। एथर 450S की प्राइस की अगर बात करें तो एक्स शोरूम बैंगलोर में इस स्कूटर का प्राइस है 1,30,000 रुपीज और अभी तमिलनाडु के होसर में इस स्कूटर का डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। और इस स्कूटर का डिलीवरी स्टार्ट होने के बाद ओला का S1 एयर को ये स्कूटर कितना टक्कर दे पाती है वो तो देखने वाली बात होगी। और आप अगर एथर 450S को अपनी चॉइस बनाने वाले हैं तो कमेंट पे जरूर बताइए और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।